आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। विकास योजना रखा, महामाया पेंशन योजना रखा, साथ ही साथ सावित्री बाई फुले शिक्षा मदद योजना, जिस मनवादी व्यवस्था के लोग चाहते थे कि इनके महापुरुषों का नाम खत्म हो जाए, माननीय बहन जी ने निश्चित रूप से अपने महापुरुषों के सम्मान में और निश्चित रूप से माननीय कांतिराम साहब की पोजिशन को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के कारवां को आगे बढ़ाने का काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर बहन जी मुख्यमंत्री नहीं होती तो आज जो शान से हमारे खास करके निर्बल वर्ग के लोग, चाहे हमारा मोस्ट बैकवर्ड साथी हो, चाहे हमारा SC ST का साथी हो, चाहे माइनॉरिटीज का साथी हो, चाहे हमारे फॉरवर्ड के ही साथी क्यों ना हो, अगर आज हम लोग सीना तान के चलने का काम कर रहे हैं तो ये निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी की मुखिया माननीय बहन जी के मुख्यमंत्री काल की देन है, उनके मुख्यमंत्री बनने की वजह से है। मनवादी व्यवस्था से मतलब मनवाद किसी जात से नहीं है, बल्कि हमारे जो हमारे समाज में भी ऐसे तमाम मनवादी पोषक लोग हैं जो मंदिरों में जाके पूजा करते हैं, और हमारे तमाम ऐसे प्रकाष्ठ के लोग हैं जो हमारे हमारी विचारधारा से जुड़े हैं। तो मनवाद का मतलब किसी जात से नहीं है, बल्कि वाद से है, मित्रवाद, मनुवाद। इसी बात को लेकर 1585 का आपका नारा है, 1585 की बात करते हैं, मानवर कांशीराम ने 1585 का नारा दिया और 1585 को इकट्ठा करने का काम किया, आप लोग सर्वजन हिता सर्वजन सुखा की बात करते। देखिए आपको आप लोगों को शायद वो इतिहास नहीं मालूम है, आपको मैं उदाहरण बता दूं, जब माननीय बहन जी पहली बार 3 जून 1995 को सरकार बनाई थी तो मानवर कांशीराम साहब जिंदा थे और मानवर कांशीराम साहब के सरपरस्ती में बनाई थी, मानवर कांशीराम साहब के निर्देश पर। आपने देखा, मैं उदाहरण बता रहा हूँ, आपने देखा मानवर कांशीराम साहब ने 1585 का नारा इसलिए लगाया, 85% को उन्होंने इकट्ठा किया जो हमारा शोषित समाज था। ऐसा नहीं कहा कि हम 15% को इग्नोर करेंगे, उन्होंने कभी इग्नोर नहीं किया। आपने देखा 3 जून 1995 को और बहन जी ने शपथ लिया मुख्यमंत्री के रूप में, तो ब्राह्मण समाज को सम्मान देने की बात आई तो रामवीर उपाध्याय को मंत्री बना के ब्राह्मण समाज को सम्मान देने का काम 3 जून 1995 को मानवर कांशीराम साहब के देखरेख में किया गया। ठाकुर जयवीर सिंह को मंत्री बनाया गया, हरकिशन श्रीवास्तव को मंत्री बनाया गया, जगदीश नारायण राय को मंत्री बनाया गया, जो बिहार समाज से हैं, कायस्थ समाज से, ठाकुर समाज से, सबको बनाया। मानवर कांशीराम साहब कभी भी 15% को इग्नोर नहीं किया। आज की डेट में आप लोग माइनॉरिटी के ऊपर काफ़ी फोकस कर रहे हैं और देखा जा रहा है जनरल के लोग कहीं ना कहीं भाजपा के शरण में जाकर हैं, और माइनॉरिटी को आप लोग किस तरह मोटिवेट करें? देखिए निश्चित रूप से चूँकि मानव कांशीराम साहब ने कभी एक नारा दिया कि दलित मुसलमान करो विचार कब तक सहोगे अत्याचार, चूँकि ये पीड़ित लोग हैं, दलित समाज मुस्लिम समाज के लोग पीड़ित लोग हैं, पीड़ित पक्ष है, इसलिए इस पर जो ज़्यादा जिसके ऊपर जिसकी जिसको जिसको पीड़ा ज़्यादा पहुंचाई जाती है, जो पीड़ित होता है उसी की ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि हम सबसे पहले आगे आकर के इस व्यवस्था को ख़त्म करें। इसलिए हम लोग 24 में हमारी रणनीति है, जिस तरह से आपने हमारे